बिल्कुल कदरमान की तरह। इसको वो लड़की पसंद आई है। कौन सी लड़की पसंद आई है? पाकिस्तानी वाली थी, पाकिस्तानी जो बेटे की वाइफ है। शकीना, शकीना अच्छी लगी। शकीना, शकीना, शकीना। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। अभी मैं मौजूद हूँ नेहरू प्लेस में, आइनॉक्स मॉल में, जहाँ पे गदर 2 और ओ माय गॉड 2 दोनों ही मूवीज़ लगी हुई हैं। अब हम ऑडियंस से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कौन सी मूवी अच्छी लगी, क्योंकि आजकल तो पता ही है कि जैसे गदर जब 2001 में रिलीज़ हुई थी उस टाइम भी इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। अभी गदर 2 आ चुका है, तो गदर 2 में क्या कुछ ऐसा है? हालांकि क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो, लेकिन लोगों को ये जो गदर था ये पसंद आया था। और गदर 2 में भी सिर्फ सनी देओल की वजह से और उनके नारे की वजह से आज बहुत ज़्यादा ये मूवी फेमस हो रही है। तो चलिए देखते हैं और लोगों से बात करते हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गदर 2 के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। बताइए आप गदर 2 के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी मूवी थी। सनी देओल की एक्टिंग कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी थी, बिल्कुल कदरमान की तरह। इसको वो लड़की पसंद आई है। कौन सी लड़की पसंद आई है? पाकिस्तानी वाली थी, पाकिस्तानी जो बेटे की वाइफ है। शकीना, शकीना अच्छी लगी। शकीना, शकीना, शकीना। गदर में सनी देओल का कौन सा डायलॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा? हिंदुस्तान उसके बेटे ने कहा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद और वो है और रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, ऐसा कुछ। एक बार आप लोग भी बोल दीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा और था, और था। मतलब आप लोगों को मूवी बहुत अच्छी लगी है ना? इसमें आप लोगों के कहने जैसे कि गदर आपने मूवी देखी है? हाँ जी देखी है। गदर का री रिलीज भी हुआ था। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको मिला? ज्यादा था नहीं डिफरेंस, बिल्कुल पुरानी मूवी की तरह थी। डिफरेंस तो था, मतलब कि गदर